Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share and subscribe our channel for more latest videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kya hal chal hai? Theek hai. Umeed hai khairiyat se honge. Aaj hum bana rahe hain sagudane ka sharbat. Jiske liye sagudana ye maine ye wala ek cup liya hai aur isko maine pani mein bhigo diya tha. Bhigone ke baad ye is tarah phool gaya hai. और अब इसको मैं पहले पकाऊंगी। सबसे पहले मैंने इस पानी रख दिया है, तकरीबन एक गिलास था ये वाला एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें अब मैं ये साबुदाना जो भीगा हुआ है वो डाल दूंगी। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो सफ़ेद दूध की तरह है ये पानी के रंग की तरह सफ़ेद हो जाए। अब थोड़ी सी आंच हम तेज कर देंगे और इसको थोड़ी देर में पकाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह का हो गया पक के। अभी ये थोड़ा सा और पकेगा, ये इसमें जो वाइट दाना है ना वो पानी की तरह वाइट होगा। इसको पकाना अच्छी तरह है ताकि ये इसमें ये वाला दाना ना रहे। ये देखिए, ये अभी दूध वाला दाना है, पानी वाला दाना बनेगा तो ये सही होगा। इसको भिगो दें ताकि भिगोने से ये जल्दी पक जाता है, अगर ना भिगोएं तो उसको टाइम लगता है। ये देखो कितना पक गया, ये देखिए वाइट दाना खत्म हो रहा है और ये देखिए ये पानी के रंग की तरह वाइट हो रहा है। ये पानी के रंग की तरह वाइट हो गया, इसमें अब दाना नज़र नहीं आता। अगर दूध के रंग की तरह होगा फिर वो दाना नज़र आएगा। ये देखिए काफी कम हो गया। ये देखिए इस तरह पकाना है इसको ताकि इसमें वो दाना ना रहे। ये देखिए ये पानी के रंग की तरह हो गया सारा। ये अब इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। पक गया, चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको मैं ठंडा करती हूँ। ये ठंडा हो गया, अब मैं इसमें जग में डाल दूंगी। दिया हमने इसमें अब ये पुदीने के मैं चंद पत्ते डालूंगी। पुदीने से इसका टेस्ट बहुत मजे का बन जाएगा। और इसमें अब हम चीनी डालेंगे। चीनी मैं दो गिलास है तो चार चम्मच चीनी के डालूंगी। एक, दो, तीन और ये चार। ये मैंने क्यूब्स एक, दो, तीन और ये चार डाल दिए। बाकी अपने हिसाब से जितना ठंडा रखना हो रख सकते हैं। इसको मैं ग्राइंड करूंगी। बिस्मिल्लाह। ये जी हमारा साबुदाने का शरबत तैयार है। साथ इसमें हम बोतल डालेंगे 7-Up की। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा साबुदाने का शरबत तैयार है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।